अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है व्हाइट मटन पुलाव। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल में, आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत आसान रेसिपी है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। एक बाउल में मटन लिया है, 1 kg दही लिया है, 1 कप लहसुन अदरक का पेस्ट 1 tablespoon, लेमन जूस 2 tablespoon, ये कुछ मसाले हैं दालचीनी, काली इलायची, बादियान के फूल, तेज़पत्ता, इसमें से हाफ हम मटन में डालते हैं, बाकी चावलों में ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालते हैं 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon सौंफ पाउडर, 1 teaspoon खुश्क धनिया पाउडर, 2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर। अब इन सब चीज़ों को मैरिनेट करते हैं और 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। दो घंटे बाद हम मैरिनेट किया हुआ मटन प्रेशर कुकर में डालते हैं और 200 ml पानी इस बाउल में डालकर इस मटन में डालते हैं। फ्लेम को ऑन करते हुए प्रेशर कुकर को बंद करते हैं और इसकी विसल को तकरीबन 15 मिनट के लिए चलने देते हैं। 15 मिनट बाद इसकी स्टीम को निकालकर प्रेशर कुकर को खोलते हैं। माशाल्लाह से गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और पानी भी खुश्क हो गया है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और एक कढ़ाई में 1 कप घी और 2 दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज डालकर लाइट गोल्डन फ्राई करते हैं। प्याज हमारे गोल्डन फ्राई हो गए हैं, अब इनमें से कुछ प्याज फ्राई किए हुए निकाल लेते हैं और अब इसमें हम शामिल करते हैं लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट 3 tablespoon, बादियान के फूल, इलायची, तेज़पत्ता और ज़ीरा ऐड करेंगे 2 teaspoon, ब्लैक पेपर 1 teaspoon, नमक 2 teaspoon, नमक पहले हम मटन में भी डाल चुके हैं। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे जो हमने पहले प्रेशर कुकर में गला लिया है, इसे अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। आठ से दस दाने मैंने इमली के भिगोए हुए थे वो डालते हैं। एक बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर डालते हैं और अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं 1.5 liter, क्योंकि 1 kg चावल हैं और आधा घंटा पहले भिगोए हुए हैं इसलिए हम पानी कम यूज़ करेंगे। पानी को बॉयल आ गया, अब इसमें डालते हैं 6 सब्ज़ मिर्चें और कुछ कटे हुए पुदीने के पत्ते, साथ ही डालते हैं हम इसमें भीगे हुए चावल और इसे कवर करते हैं पानी को खुश्क होने तक। पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं फ्राई किए हुए प्याज और मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। तो जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से देगी वाइट मटन पुलाव तैयार है। माशाल्लाह बहुत खुशबूदार और खिला खिला पुलाव बना है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।